गुड आफ्टरनून फिफ्थ क्लास, आई एम शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे आज हम 8th चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर है 53। क्वेश्चन 2, सही उत्तर पर सही टिक्का निशान लगाओ। बहुविकल्पीय प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल? तो बच्चे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? धनराज पिल्ले, मेजर ध्यानचंद या रूप सिंह? तो आंसर है मेजर ध्यानचंद। ओलंपिक खेलों का जनक कौन सा देश है? इंग्लैंड, जर्मनी या यूनान? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनान। भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब की गई थी? सन 1928 में, सन 1925 में, सन 1932 में? तो बच्चे भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। इसके बाद आता है बच्चे आपका फिलअप्स आते हैं, ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। डैश मानव जीवन का एक अंग है, तो क्या आएगा आंसर? खेल। खेल जो है मानव जीवन का एक अंग है। खेलों से शरीर में नए डैश का संचार होता है, रुधिर। रुधिर का अर्थ होता है बच्चे रक्त कह सकते हैं या खून कह सकते हैं। खेलों से डैश डैश और डैश विकास होता है। बच्चे जैसे कि चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, कैसा विकास होता है? मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक। ये बच्चे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको यहीं पे लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है खेलों से मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट है, डैश भारत का एक बहुत पुराना खेल है, तो हॉकी। हॉकी क्या है? भारत का एक बहुत पुराना खेल है। भारत का डैश सन 1952 ईस्वी में हेलसिंकी में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ था। तो इसका आंसर है बच्चे बलबीर सिंह। यहाँ पर बलबीर सिंह लिखोगे आप। बच्चों ऊपर नंबर भी डाल लेना और यहाँ पर आपको फिल भी करना है सभी में। इसके बाद आते हैं बच्चे सही कथन पर सही टिक तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। जैसे खेलों से बच्चे चैप्टर के अकॉर्डिंग लगाना है हमें। खेलों से शरीर में नए रुधिर का आगमन होता है, यानी रक्त का आगमन होता है और मन में खुशी का। राइट आंसर है इसका। स्वास्थ्य के लिए खेल को परम आवश्यक माना गया है। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब बच्चे पेज नंबर 54 पर आ जाओ। हॉकी के खेल में मेजर ध्यानचंद जी का विशेष महत्व है। हाँ ये भी राइट है। अपनी कोशिश और सूझबूझ से हॉकी के खेल में पराजय को विजय में बदला जा सकता है। ये भी राइट है। खेल विकास के साथ ही बालकों का शरीर भी हृष्ट पुष्ट बनता है। ये भी राइट है। इसके बाद बच्चे वाक्य बनाओ। जैसे कि आपने लाइव क्लास में मुझे बताए थे इन सबके प्रसिद्धि, चित्ताकर्षक, सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता, परीक्षण। तो बच्चे आप वाक्य खुद बनाओगे, जो आपने मुझे लाइव क्लास में बताया था ना, अपने वाक्य बनाओगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपका कार्य है। कई बच्चों ने लाइव क्लास में ही बना लिए थे, लिखा भी था, तो ये आपको खुद करना है। अब आते हैं पर्यायवाची। वैसे आप पर्यायवाची भी जानते ही हो। रुधिर का जैसे मैंने बताया था रक्त भी होता है, खून भी होता है और हम इसको लहू भी कहते हैं। इसी तरह खुशी को हम हर्ष भी बोलते हैं, उल्लास, सुख भी कहते हैं। पराजय को हार, पराजित
या शिकस्त। पर्वत को पहाड़, नग, गिरी। बच्चे पर्यायवाची तो और भी बहुत होते हैं, पर यहाँ तीन लिखने हैं हमें, तो हम यहाँ पर तीन लिखेंगे। प्रतिभा का प्रभा, चमक और समझ। ये बच्चे आपको बुक में ही करना है, आपका क्वेश्चन 2-3 जो क्वेश्चन था वो बुक में करना है, और शब्द ज्ञान में ये वाला भी बुक में करोगे और ये भी आपको बुक में करना है। इसके बाद आता है विलोम शब्द, जो बच्चे आपको खुद करना है, ठीक है। जीत का, मधुर का, विजय का, स्वास्थ्य का, आपको पर्यायवाची आते हैं, छोटी क्लासों से करवाते आ रहे हैं, तो आपका कार्य एक तो ये है, विलोम शब्द आपको करने हैं, और दूसरा है वाक्य बनाओ, ये आपका होमवर्क है, दो क्वेश्चन। थैंक यू।